ये कल हनुमान बेनीवाल की सभा हुई थी देखने में, इसके लिए मेरा वीडियो 2 नंबर आज जारी कर रहा हूं। उसने बोला कि ये रिस्पाल बिरला भगोड़ा, अरे मैं 35 साल से डेगणा, मेरा लंगोड़ का मैं वोटर हूं और मेरा मकान है डेगणा में और मैं डेगणा चुनाव लड़ता आया हूं 1990 से। मैं कहते भगोड़ा हो गया, भगोड़ा तो तू है, अरे तेरा गांव है उसमें बड़ गांव किसमें है, नागौर कॉन्स्टिट्यूंसी में, और तू चुनाव लड़ता है किमसर में, भगोड़ा तो तू है, और एमपी चुनाव में तू हनुमान बेनीवाल जब गठबंधन करके पीसी करके सीधा मेरे घर आया था और मेरे और मेरी घरवाली के पैर पकड़ के बैठा था कि जब तक आशीर्वाद नहीं मिलेगा तब तक उठ के नहीं जाऊंगा, मेरी मदद करो, और तेरी मदद की हमने, इसके कारण तू बीजेपी से गठबंधन हो गया जब जिंदा रह गया नागौर जिले में, नहीं तो अब की बार तेरे को पता चलेगा चुनाव क्या होता है। अब जब बोलने की बारी आती है तो 302 की बात तो नहीं कहते आप लोगों को कि भाई रिस्पाल मिर्जा ने मेरे को बचाया था 302 के मुकदमे से, ये बात तो नहीं बोलते हो। मैं उस समय सावरलाल जी और मैं गए थे डीजी साहब के पास, शांतनु कुमार जी के पास, भैरव सिंह जी नेता प्रतिपक्ष थे, अशोक जी गहलोत साहब चीफ मिनिस्टर थे, तेरे को 302 में से निकलवाया जब तू चुनाव लड़ने काबिल हुआ, और तू बोलता RLP है नेता बनाने की फैक्ट्री है, RLP सिर्फ और सिर्फ नौजवानों को मुकदमे लगवाने की फैक्ट्री है तेरे पास, और अनैतिक काम अवैध धंधे अवैध कार्यों की फैक्ट्री है तेरे पास और कुछ नहीं तेरे पास, और ये जगदीश मीडिया सर जो तेरे खास व्यक्ति थे उनके ऊपर तूने मुकदमे करवाए झूठे और उनको फंसाया, तू जनता का ये दबाकर उनको उनके पक्ष में रख सकता है कि तेरे पास, इसलिए तू जो बातें कहेगा उस हर एक बात का जवाब रिस्पाल मिर्जा तेरे को देगा, और मैं जाट समाज में हर जगह जाऊंगा और जाट समाज के लोगों से कहूंगा कि तू ऐसे काम करता है दंगाबाज में बद्रीकांड क्यों हुआ भाई, सारे लोगों को तू ले गया था वहां रिया में और ये कांड हुआ है, दंगाबाज का एक लड़का नौजवान मर गया और तेरी वजह से मरा, और कितने लोगों को मरवाएगा हनुमान बेनीवाल ये ध्यान कर, और अब की बात जो भी बात तू कहे मन से कहना मैं उसका जवाब देने के लिए तैयार हूं, मैं डरने वाला नहीं हूं, आमने सामने बैठ के मेरे से बहस कर लेना हनुमान बेनीवाल जाटों के लिए क्या किया, रिस्पाल मिर्जा मिर्जा परिवार ने, तू परशुराम जी भदेड़ा के लिए कहता है टोपी कहां रखते थे, कितनी अच्छी बात करता, टोपी वो सर पर रखते थे और कहां रखते थे, अब की बार राजस्थान के जाट तेरे को देख रहे हैं और हर जितने भी जाट है राजस्थान में सबके यहां जाऊंगा कि भाई ये तेजाजी से बड़ा नेता है जिसका फैसला आप करो, और जहां कहीं जाटों की मीटिंग होगी वहां रिस्पाल मिर्जा जाएगा, हनुमान बेनीवाल तो आ जाना मेरे सामने आमने सामने वहां बैठ जाएगा।